आओ वचन की ओर चले हम और बाइबल से लुका रचि सुसमाचार उसका अध्याय 10 लुका 10 और 21 से लेकर 24 पद तक लुका 10 21 से 24। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र के, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की और मुगल अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे और न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने और न सुने। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो हमसे कहने के लिए जा रहे वो हम समझ सकें। जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया था और दाऊद को शाऊल की जगह पर जब परमेश्वर ने राजा बनाया था, और दाऊद बहुत जल्द अपना नाम ऊंचा करने लगे, गुलियत को मार दिया, और उसके बाद फिलिस्तीनियों को भी मारने लगे और लड़ाई में सबसे आगे, और लोग भी बात करने लगे दाऊद के बारे में कि शाऊल ने तो 1,000 को मारा है लेकिन दाऊद ने तो 10,000 को मारा है। इस तरह से जब दाऊद का नाम फैल गया तो जो शाऊल है वो दाऊद के पीछे पड़ गए, और शाऊल ने चाहा मैं किसी भी रीति से दाऊद को मार देता हूँ। शाऊल क्यों दाऊद को मारना चाहते थे, क्यों वो ऐसा चाहते थे कि मैं दाऊद जो है उसको मैं ख़त्म कर दूँ? और इसका कारण एक ही था कि मन में कहीं ना कहीं पर शाऊल को डर है। और डर भी किस बात का कि दाऊद बलवंत है, मेरी जगह पर उनका अभिषेक हो चुका है, और अगर मैंने राजा का पद नहीं छोड़ा तो हो सकता है दाऊद मुझे ख़त्म कर दे, और लोग भी दाऊद के साथ अच्छे से जुड़े हुए, लोग दाऊद से प्रेम करते हैं। तो शाऊल को कहीं ना कहीं पर ये डर है कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं दाऊद जो है वो दाऊद मुझे ख़त्म ना कर दें। इस मौत के डर की वजह से शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे पड़े, किसको ख़त्म कर दूँ बस, क्योंकि वो खुद ख़त्म होना नहीं चाहते, उनको खुद को मौत का डर लग रहा है। फिर एक बार प्रभु यीशु थे और प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ वो किश्ती में बैठकर समुद्र में जा रहे थे, और जब प्रभु यीशु इस तरह से अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो प्रभु यीशु उस किश्ती में बैठकर सो गए थे, और वहाँ पर बैठे थे जहाँ से किश्ती चलाई जाती है, और वहाँ पर बैठे बैठे वो सो गए थे। अभी क्या हुआ, चेले लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, हो सकता है किसी घटना को लेकर चर्चा करते हो, या हो सकता है कोई और बात हो, लेकिन वो भी अपनी मस्ती में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से माहौल बदल गया, समुंदर की लहरें अचानक से उठने लगी, बड़ी आंधी आई, तूफान आया, लहरें उठने लगी, और लहरें इतनी ज़ोर ज़ोर से उठने लगी कि वो किश्ती के अंदर
पानी जो है वो आने लगा और किस्ती पानी से भर जाने लगी। अभी चेले लोग डर गए, बोले भी हमारा होगा क्या। और जब भी कोई किस्ती होती है तो किस्ती के अंदर अपने बचाव के लिए कुछ रखा जाता है, तो उसमें भी कुछ बर्तन हो गए, बाल्टी वगैरह ऐसा कुछ। और जब वो बाल्टी वगैरह कुछ होगा होता होगा तो इन्होंने उसको पानी को निकालने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ उनसे तो भागे यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह को उठाया, यीशु उठो उठो हम लोग नाश होए जा रहे। अभी देखो इनको डर लगा मौत का, इनको मौत का डर लगा कि कहीं हम खत्म ना हो जाए। इंसान मौत से डरता रहता है और यहाँ पर चेले लोगों को डर लगा कि कहीं हम लोग इस तूफान के अंदर खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को जगाया। एक बार तो जब प्रभु यीशु ने चमत्कार किया था, 5,000 लोगों को खाना खिलाया था और उसके बाद वहाँ की जो भीड़ थी उन्होंने प्रभु यीशु को पकड़ लिया। प्रभु यीशु दूसरी जगह पर जाना चाहते थे लेकिन वहाँ के लोगों ने जाने नहीं दिया, बोले नहीं आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है। पर वहाँ पर समुंदर में एक ही किस्ती थी तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला कि आप लोग इस किस्ती में से किस्ती में बैठकर आप चले जाओ, मैं किसी भी तरह से आपके साथ हो जाऊंगा। और वहाँ की भीड़ ने देखा कि किस्ती तो एक ही है और चेले बैठकर निकल चुके, अभी यीशु मसीह कहाँ जाने वाले। और वहाँ से यीशु मसीह वहाँ पर जो भी पहाड़ होगा उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए प्रार्थना के लिए। जब प्रभु यीशु वहाँ पर चढ़ गए तो लोगों ने सोचा अभी प्रभु यीशु कहीं पर नहीं जाने वाले, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अभी प्रभु यीशु भी पहाड़ से उतर कर चेलों के पास जाना था तो समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर चलने लगे। अभी जब प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलने लगे तो इन लोगों को चेलों को दूर से दिखाई दिया कि कोई पानी के ऊपर चल रहा है और सभी लोग डर गए, बोले क्या होगा, ये क्या होगा, कोई भूत प्रेत तो नहीं। अभी डरने का कारण क्या है, बस एक ही बात है कि भूत है तो मार देगा, हमको ख़त्म कर देगा। तो इंसान को जो डर लगा रहता है वो मौत का ही डर लगा रहता है, लेकिन प्रभु उसने देखा कि चेले डर रहे, तुम जो सावध लगाए डरो मत मैं हूँ। और जब ये बात लोगों ने सुनी, पत्रस से भी सुनी, तो बोले मैं हूँ मतलब कौन, प्रभु यीशु ये क्या, क्योंकि समुद्र में लहरें आ रही है, हवा चल रही है तो उसमें सही से आवाज़ नहीं पता चलता। तो पत्रस से बोला कि प्रभु यीशु क्या आप हो, बोले हाँ, बोले अगर आप हो तो मुझसे भी आज्ञा दो, बोले मैं समुद्र पर चलकर आपके पास आऊँ। प्रभु से बोलते आ जा। अभी पत्रस से उन्होंने भी समुद्र के ऊपर छलांग लगा दी और वो भी पानी के ऊपर चलने लगे। यीशु मसीह को देख रहे, कहाँ यीशु मसीह वहाँ है, बस यीशु मसीह के पास जा रहे, पास जा रहे, पास रहे, और समुद्र के बहुत पास में पहुँच गए। जब बहुत पास में पहुँच गए, 1-2 फीट के अंतर पर हो गए और तभी पत्रस ने आसपास में देखा, अरे मैं तो कहाँ हूँ, और देखा होगा ये तो हवा चल रही, नीचे देखा होगा पानी, और पानी पर मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं ये कैसे। और डर लगा और जोरों से आवाज़ लगाई, यीशु मसीह बचाओ, क्यों डर के हमारे चिल्लाना, मैं मर जाऊँगा। इंसान को ये डर जो है वो रहता है, इंसान को ये डर रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। आज देखो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे, मीटिंग में प्रचार भी बहुत बढ़िया कर रहे, हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह जीवन देने वाले परमेश्वर है, वो आपको भी जीवन देंगे, चाहे ये बीमारी चाहे वो बीमारी कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपको जीवन देंगे। वो कहते हैं कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया, बोले डरो नहीं, यीशु मसीह है। और लोग इस तरह से प्रचार करते हैं, अपनी गवाही देते, लेकिन जब उनकी दोनों साइड देखते ना तो दोनों साइड उनके अंगरक्षक बाउंसर होते थे। अभी जब ऐसा प्रचार करते हैं तो पता नहीं चलता कि परमेश्वर के दास
जीवन की बातें, प्रभु उसे जीवन देते हैं, लेकिन अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों रखते हैं, बाउंसर्स क्यों रखते हैं, अंगरक्षक क्यों रखते हैं? उनको भी डर है कहीं कोई मार ना दे, कहीं हम खत्म ना हो जाए। मौत का डर जो है वो तकरीबन सारे इंसानों के ऊपर वो छाया होता है। ज़्यादातर सभी लोगों को मौत का डर जो है वो लगता है, लोग डरते हैं मौत से। लेकिन हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु जो आजकल और युगानुयुग एक से ही है, वो परमेश्वर वो मौत से डरते नहीं, वो मरने के लिए इस धरती पर आए थे। लोग मौत से डरते हैं जबकि प्रभु यीशु मरने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए थे स्पेशल मरने के लिए। सभी लोग मौत से भागते हैं लेकिन हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु वो तो मरने के लिए इस धरती के ऊपर वो तो आए थे। हमारे प्रभु यीशु वो मरने के लिए आए थे। और बाइबल में हम पढ़ते हैं लुका रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय और 32 और 33 कि मरने तो आए थे लेकिन मौत भी उनका कैसा था, पढ़ो तो। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ, प्रभु उसने अपने लिए बात की कि मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाऊंगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे। हाँ, वो लोग मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे। हाँ, वो लोग मेरा अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और मुझ पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और तीसरे दिन जी उठाएगा। और लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु की मौत भी ऐसी वैसी नहीं थी, दर्दनाक मौत, दोनों हाथों में दोनों पैरों में किले, सर पर कांटों का ताज, कोड़े की मार, अनगिनत कोड़ों की मार और उनका ठट्ठा करना, गालियां बोलना, उनके मुंह के ऊपर थूकना। देखो कितनी शर्मनाक मौत जो थी वो प्रभु यीशु को मिलने वाली थी। लेकिन वही मौत को लेने के लिए हमारे प्रभु यीशु जो है वो ऊपर से इस धरती पर आए थे। और बाइबल में लिखा है जब वो ये सब सिलसिला चल रहा था, जब प्रभु यीशु को पकड़वा दिए गए, जब उनको मार रहे थे, उनका ठट्ठा हो रहा था, जामुनी कुर्ता पहनाया जाता था, हाथ में लकड़ी दे जाती थी, सर पर कांटों का ताज पहनाया जाता था, कोड़े की मार थी और तब लोग उनके घुटनों के बल गिरकर लोग ऐसा बोलते यहूदियों का राजा है। इस तरह से जब प्रभु यीशु का ठट्ठा करते थे तब बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53 और उसका 7वां पद, वो सताया गया तो भी वह सोता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन पकड़ने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। बाइबल में लिखा है सब कुछ प्रभु यीशु के ऊपर हो रहा था, तब प्रभु यीशु दर्दनाक मौत सहते सहते चुप थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। वो तो फिल्मों में दिखाते हैं जैसे कराते हैं, मुंह ऐसा बनाते हैं, चीखते हैं, लेकिन सही में प्रभु यीशु जो है वो चुप रहे थे, बस ऐसे ही खड़े रहे थे। उनको मारते गए लेकिन चुपचाप उन्होंने सब कुछ सहन किया। ऐसा दर्दनाक हमार मौत हमारे परमेश्वर ने सहन किया। और इस बात को ध्यान रखना कि प्रभु यीशु एक ही है जो मरने के लिए इस धरती पर आए थे, वही की परमेश्वर है जो मरने के लिए इस धरती के ऊपर वो आए थे। और वो थे कौन, हमारे प्रभु यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, यूहन्ना 10 और 17 और 18 पद, पिता इसीलिए मुझे प्रेम होता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। प्रभु से ऐसा बोलते कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि वापस उसको ले लूँ। अभी इसको बहुत ध्यान समझना, प्रभु से बोलते कि मैं प्राण देता भी हूँ और मैं उसको वापस ले भी लेता हूँ, फिर कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। हाँ, प्रभु से बोलते कोई मुझे जबरदस्ती से मार नहीं सकता,
कोई मुझे नहीं मार सकता। हाँ वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हाँ मैं तो खुद मरने के लिए आया हूँ, मुझे उसे किसी की ताकत नहीं है कि वो मुझे मार सके, मेरे प्राणों को ले सके, इसी किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं। लेकिन मैं तो सामने से आया हूँ, मैं तो कर्ज अदा करने के लिए आया हूँ, मैं तो मेरी मंडली को खरीदने के लिए आया हूँ, मैं खुद मरने के लिए आया हूँ, वरना किसी की ताकत नहीं कि वो मुझे मार सके। हाँ मुझे उसके देने का भी अधिकार है, मुझे प्राण देने का अधिकार है और उसे फिर ले लेने और मुझे प्राण वापस लेने का भी अधिकार है। मतलब मैं मेरा प्राण दे सकता हूँ तो मेरे पास वो भी अधिकार है, मैं प्राण को वापस ले भी सकता हूँ। देखो प्रभु से ये चीज़ थे, मर तो सकते थे लेकिन साथ में वापस जिंदा भी हो सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्राण दे दो, इंसान मर गया फिर वो क्या करेगा? फिर तो कुछ नहीं करेगा, उसके पास समाप्त हो गए, खत्म हो गए। लेकिन हमारे प्रभु के पास वो ताकत थी कि वो मर जाए, उसके बाद जो उनका आत्मा है उस आत्मा में इतनी ताकत है कि वापस आए। ये प्रभु में ताकत थी, क्योंकि सबोपदेश में लिखा है, सबोपदेश उसका 8वां अध्याय, उसका 8वां पद, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका बस प्राण पर चले। हाँ ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका बस उसके प्राण पर चले, और कि वह उसे निकलते समय रोक ले। हाँ कि वो उसको निकलते समय रोक ले। वो भी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं, वो अपने आत्मा को रोक सके शरीर से निकल रहते वक्त, और निकलने के बाद भी उसके पास ताकत नहीं कि वापस उसको खींच कर लेकर आए। आत्मा के ऊपर किसी का भी वश नहीं। लेकिन प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मेरे पास तो वो शक्ति है कि मैं प्राण को दे भी सकूँ और वापस ले भी सकूँ। ये प्रभु के अंदर शक्ति थी कि मैं मर भी सकता हूँ और वापस मेरे प्राणों को मेरे अंदर मैं वापस ला भी सकता हूँ। ये है हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि वो प्राण दे भी सकते हैं और साथ में वो प्राण वापस ले भी सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु का प्राण कोई ले नहीं सकता, प्रभु से बोलते मैं खुद देता हूँ और बाद में भी मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं उसको वापस ले लूँ। लेकिन सारे इंसान कैसे, इंसान ने एक बार प्राण दी, प्राण निकल गया उसका, वो पहले तो रोक ही नहीं सकता। अगर इंसान में शक्ति होती तो आदम से लेकर आज तक कोई नहीं मरा होता, उसको रोक कर तो कोई नहीं मरता। लेकिन प्रभु के अंदर तो ताकत है कि प्राण देने के बाद भी वो प्राण वापस ला सके। इसका मतलब खुद मर जाए और मरने के बाद खुद ही जिंदा हो सके, कोई उनको जिंदा नहीं करेगा, वो खुद जिंदा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हमारे प्रभु यीशु में है। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय और उसका 24वां पद, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। हाँ क्योंकि तो यह अनहोना था, ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, कि प्रभु यीशु मृत्यु के वश में रहते, ये अनहोना था। मतलब मौत प्रभु यीशु को बांध सके ऐसा अनहोना था। मतलब प्रभु यीशु कौन है? तो बोले मौत के भी ऊपर। सभी लोग मौत से डरते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर को मानने वाले परमेश्वर के दास भी मौत से डरते हैं, बाउंसर रखते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर तो वो है कि मौत उसको वश में नहीं रख सकता, मौत में वो ताकत नहीं कि वो प्रभु यीशु को मौत के वश में रख सके। लेकिन प्रभु यीशु तो मौत को भी लात मार कर वापस आ सकते, मर भी सकते हैं और मरने के बाद खुद ही वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो अनहोना है कि मौत प्रभु यीशु को अपने वश में वो रख सके। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 3रा अध्याय उसका 15वां पद, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला है। तुमने जीवन के कर्ता को मारा, जीवन का कर्ता मतलब जीवन को बनाने वाला, जीवन का अधिकारी, जो जीवन का हाकिम है, प्रभु उसके बारे में लिखा है जीवन का कर्ता मतलब जीवन को बनाने वाले परमेश्वर। जो खुद जीवन को बनाते उनको मौत कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। तो हमारे परमेश्वर है वो जीवन को बनाने वाले परमेश्वर,
वो जीवन को बनाते हैं। फिर यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। फिर उसी के 14वें अध्याय में लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मतलब जीवन मैं हूँ। वो जीवन के कर्ता है, जीवन को पैदा करने वाले वो ही है। ये अनहोना है कि मौत प्रभु यीशु को वश में रख सके। वो तो जीवन है, वो मौत से आसानी से बाहर आ जाएंगे। बोले मार्ग सत्य और जीवन प्रभु से बोलते मैं हूँ। फिर यूहन्ना 10 में लिखा है, यूहन्ना 10 और उसका 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसका मतलब ये है, बार बार जो हमने सभी पदों में देखा, प्रभु से यही बोलते मैं जीवन हूँ, जीवन हूँ, जीवन हूँ। प्रभु से जीवन है, उनके पास जीवन है, वो जीवन के दाता है, वो जीवन के कर्ता है, वो जीवन के अधिकारी है। मौत उनको कभी भी वश में नहीं रख सकता। प्रभु से जीवन है और कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ऐसा भी नहीं कि प्रभु यीशु सिर्फ कहते हैं कि मैं जीवन 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 हूँ, लेकिन प्रभु यीशु जीवन देते भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं कि मैं जीवन हूँ, लेकिन हमारे प्रभु यीशु जो है वो जीवन देते भी हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना उसका 3रा अध्याय यूहन्ना 3 और 16 पद। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। इसका मतलब प्रभु यीशु सिर्फ बोलते नहीं कि मैं जीवन हूँ, वो अनंत जीवन देते भी है। अनंत जीवन मतलब जिसका अंत नहीं, ऐसा जीवन प्रभु यीशु जो है वो देते भी हैं। फिर पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, ऐसे बाइबल पकड़े ऐसे ताकि किसी का पन्नों का आवाज ना आए। पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और 11वां पद। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, जीवन और अनंत जीवन उसके पुत्र में है, प्रभु यीशु में है। पुत्र में मतलब प्रभु यीशु में, स्पष्ट बात। तो प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोलते मैं जीवन हूँ जीवन हूँ जीवन हूँ, लेकिन साथ में जीवन देते भी है। तो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु जो है वो सिर्फ जीवन है नहीं, लेकिन वो जीवन देते भी है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, ये जीवन इंसान को मौत के बाद ही मिलेगा। वो ध्यान समझ, ये जीवन इंसान को मौत के बाद ही मिलेगा। इस संसार में, इस शरीर में हम मर जाएंगे, उसके बाद ही हमें अनंत जीवन मिल सकता है। इस शरीर के अंदर हम कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरंथी उसका 15 और उसका 50वां पद। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न हो सकते। और मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के मतलब अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब ये मांस और ये लहू जो है वो कभी भी परमेश्वर के राज में नहीं जाने वाला।
इसका मतलब अनंत जीवन जो हमें मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मौत के बाद ही मिलने वाला है। क्यों क्यों परमेश्वर जो अनंत जीवन देना चाहते वो मौत के बाद ही मिलेगा? क्यों मौत से पहले हमारे परमेश्वर अनंत जीवन देने की बात नहीं कर रहे? मौत इसलिए आने वाली है कि हम सभी ने पाप किया है और सभी पापी है। हम सभी ने कब पाप किया है? बाइबल में तो ऐसा लिखा है, दाऊद राजा ऐसे कहते हैं कि मेरी माँ ने पाप में ही गर्भ धारण किया। मतलब बच्चा जब माँ के कोख में होता है तभी से वो पापी अवस्था में है। अब अभी तक उससे कुछ भी नहीं किया और फिर भी वो पापी। किस तरह से जो एक बच्चा है वो बच्चा किस तरह से पापी जबकि उसने कुछ किया ही नहीं? एक बार अब्राहम जो थे, वो अब्राहम लूत को जिन लोग मार कर चले गए थे उनके पीछे पड़े थे, और कुछ राजा लोग आए थे सदोम अमोरा के ऊपर, उन्होंने हमला कर दिया था, लूत को लूट कर चले गए थे, कि लूत की जो चीज थी सोना चांदी वो सब लूट कर चले गए थे। तो अब्राहम को किसी ने बताया कि ऐसा हुआ है, तो अब्राहम पीछे भागे। उनके पास 318 सैनिक थे, सभी को लेकर भागे, जितने भी राजा थे सभी का नाश कर दिया और अब्राहम उनको लूट कर लेकर आए। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक दूसरा राजा मिला और उस राजा का नाम था मलकीसदेक, और वो थे शालेम के राजा। और मलकीसदेक जब सामने मिले तो मलकीसदेक ने अब्राहम को आशीष दी, और जब उन्होंने अब्राहम को आशीष दी तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय और उसका 20वां पद। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का स्मरण किया। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने मलकीसदेक को 10 मास दिया। मलकीसदेक ने मलकीसदेक को अब्राहम ने 10वां हिस्सा जो है वो दिया। वो ध्यान समाधान, और फिर गिनती के पुस्तक में ऐसा लिखा है, गिनती और उसका 18वां अध्याय और उसका 21वां पद। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा वेदी करते हैं उसके बदले में उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका नीच भाग करके देता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जो लेवी लोग हैं उनको मैं 10 मास देता हूँ। मतलब बाकी के जो 11 गोत्र है वो 11 गोत्र लोग जो भी कमाई करेंगे और वो कमाई से उसका जो 10वां हिस्सा है वो लेवी लोगों को देंगे, और लेवी लोग जो है वो 10वें हिस्से से अपना घर जो है वो घर चलाएंगे। सबसे पहले 10 मास दिया अब्राहम ने मलकीसदेक को, उसके बाद परमेश्वर ने ठहराया कि लेवी लोगों को 10वां हिस्सा जो है वो सभी को देना है, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते। अभी इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 7वां अध्याय, इब्रानी उसका 7वां अध्याय और 9 और 10 पद। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, लेवी जो 10वां हिस्सा लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। अभी बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर ऐसा लिखा है जो परमेश्वर ने, हमने पढ़ा गिनती 18:21 में कि परमेश्वर ने सभी पुत्रों को ऐसा बोल दिया कि लेवी को 10वां हिस्सा दो। अभी सभी लोग उसको 10वां हिस्सा देते, और इब्रानी में ऐसा लिखा है कि लेवी जो 10वां हिस्सा लेता है उसने अब्राहम के जरिए 10वां हिस्सा दिया। अभी समझ में ना आए ऐसी बात कि लेवी ने अब्राहम के जरिए 10वां हिस्सा कैसे दिया, क्योंकि पहले अब्राहम आए थे, फिर उनका बेटा इसाक, फिर इसाक का बेटा याकूब, और याकूब के जो 12 बेटे हुए उसमें से एक था लेवी, और वो लेवी जो था उस लेवी के गोत्र को प्रभु उसने पसंद किया। वो तो उसके बरसों के बाद की बात है,
400 साल तो बीच में ये लोग गुलाम बने, काफी सालों के बाद की बात है। मतलब अब्राहम से लेकर जो लेवी ने दसवां हिस्सा लेना शुरू किया, मुझे लगता है 700-800 साल बीच में गैप होगा। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि लेवी ने अब्राहम के जरिए दसवां हिस्सा दिया। अभी अब्राहम के कितने सालों के बाद आया लेवी, तो फिर लेवी ने किस तरह से अब्राहम के जरिए दसवां हिस्सा दिया। पढ़ो तो आगे दसवां पद, क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की, उसके पिता मतलब अब्राहम से भेंट की, उस समय वह अपने पिता लेवी अपने पिता की देह में था। परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि जब अब्राहम वो दसवां हिस्सा मलकीसदेक को देता है, तब लेवी उसके देह में था। अब लेवी अब्राहम के देह में कैसे, ये परमेश्वर कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही में परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जब एक स्त्री और पुरुष का बीज मिलता है, तब एक बच्चा पैदा होता है। अब्राहम के बीज से इसहाक पैदा हुए, इसहाक के बीज से याकूब पैदा हुए, और याकूब के बीज से लेवी पैदा हुए। इसका मतलब जो याकूब था उसके अंदर जो बीज था वो लेवी थे, और इसहाक के अंदर जो बीज था वो याकूब थे, मतलब याकूब के अंदर ही लेवी है। तो दोनों जो थे वो तो इसहाक में थे, और इसहाक जो बीज था वो तो अब्राहम का, मतलब अब्राहम के अंदर तीनों बीज थे। इसका मतलब बाप के अंदर बीज होता है। अगर इसी तरह से अगर हम हमारे गिनती करें, मैं मेरे बाप में था, मेरे बाप के अंदर मैं और मेरा बाप दोनों थे, उनके बाप के अंदर तीनों थे, उसके बाप के अंदर हम चारों थे, उसके बाप के अंदर पांचों थे, ऐसे अगर गिनते जाएंगे ना, तो एदन बाग में आदम के पास पहुंच जाएंगे कि आदम के अंदर हम लोग थे। समझ में आई बात। और इसलिए जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने फल खाया ना, तो वो फल खाने में आप लोग भी थे, आपने भी वो फल खाया। कभी ये मत बोलना कि आदम ने फल खाया और मैं फंस गया। आदम ने फल खाया तब आप वहाँ पर थे, दुनिया के सभी मनुष्य वहाँ पर थे, मतलब आदम अकेले ने नहीं फल खाया, सभी ने फल खाया। हवा अकेली ने फल नहीं खाया, सभी ने फल खाया। आदम पापी तो हम पापी, क्योंकि उस वक्त हम वहाँ पर बीज के स्वरूप में थे। समझ में आ गई बात। इसलिए प्रभु से बोलते जीवन कब मिलेगा, इस जीवन के बाद, क्योंकि आप पापी हो, और पापी हो इसलिए आपको एक बार तो पाप के कारण मरना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आदम को कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। मतलब हम लोगों ने भी फल खाया तो हम लोग भी मरेंगे। और इसलिए अनंत जीवन जो हमको मिलेगा वो कब मिलेगा, इस मौत के बाद। ये लहू और मांस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे परमेश्वर जो है वो हमको अनंत जीवन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन लोगों को डर क्या लगता है, इसी मौत का डर लगता है। अरे इससे डरो तो भी मौत है, नहीं डरोगे ना तो भी मौत तो है ही है, मतलब मरना तो है ही, हमें हम मरने वाले तो है ही, क्योंकि वो फल खाया है ना, इसलिए हमें मरना तो है ही। तो फिर इस मौत के ऊपर हम निगाहें क्यों लगाए, क्यों शाऊल अपनी मौत से डरता है, क्यों दाऊद को मारने का प्रयत्न करता है, दाऊद ने मारा शाऊल को नहीं मारा, फिर भी शाऊल मर गए। उस दिन समुद्र में चेले डुबकर नहीं मरे तो बाद में भी मर गए, पतरस उस वक्त डुबकर नहीं मरा तो भी बाद में पतरस मर तो गए ना। चाहे कितने भी सेवक अपने आसपास में वो बाउंसर रखते हो, क्या वो बाउंसर हमेशा के लिए उनको बचाते रहेंगे, क्या वो सेवक लोग कभी मरेंगे ही नहीं, तो फिर बाउंसर की जरूरत क्या है, मौत तो है ही है। आप डरो या ना डरो मौत तो है ही है, तो जो है ही जो हकीकत है उससे डरने की जरूरत नहीं, मौत को हंस कर गले लगाओ। मौत से सही में
डरने की जरूरत नहीं है, डरोगे तो भी मिलेगा और नहीं डरोगे तो भी मिलेगा, लेकिन जो हकीकत है उसके सामने मत देखो, वो तो आने ही वाली है। लेकिन हमें जहाँ पर निगाहें रखनी है वो निगाहें कुछ और है, हमें जिस जगह पर नजरें रखनी है वो नजरें कुछ और है। आज देखो पूरी दुनिया में चारों ओर कोरोना फैला हुआ है और सभी की निगाहें कोरोना पर। सुबह उठे कोरोना में कितने केस बढ़े, सुबह उठे कोरोना से क्या हुआ, किस देश में कितने मर गए, सभी की निगाहें आज जो है बस उस कोरोना के ऊपर। और बहुत ध्यान समझना, आज तक आदम से लेकर अभी तक ऐसी विपत्ति पूरा बाइबल खोलकर देख लेना नहीं आई, ऐसी विपत्ति आज तक किसी ने भी नहीं देखी, बाइबल में भी नहीं किसी ने, बाइबल के बाहर भी नहीं किसी ने देखी, ये हम लोग देख रहे हैं। ऐसी विपत्ति आज तक नहीं आई, नहीं आएगी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आज तक ऐसी विपत्ति पूरा बाइबल पढ़कर देख लो, ऐसी विपत्ति कभी नहीं आई। मैंने अंदाजा लगाया नवंबर से स्टार्ट हो गया है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, देखो 5-5 महीने होने को है। ये बीमारी जो है वो जा नहीं रही, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, और लोग जो हैं वो लोग उसमें मर रहे हैं। चारों ओर एक डर, कहीं कोरोना में मर ना जाए, कहीं कोरोना में मर ना जाए। बहुत सच बात है कि ऐसी विपत्ति सही में आज तक इस संसार में जो है वो नहीं आई। लेकिन ये जो कोरोना है वो है क्या, बहुत ध्यान समझना, ये कोरोना है क्या। कोरोना के बाद बारे में आज मैं एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो आपको अभी तक पता नहीं है। और कोरोना ना तो कोई बीमारी है, ना तो कोई वायरस है, लेकिन कोरोना है एक परमेश्वर की ओर से आखिरी झटका है। ये आखिरी झटका है कि परमेश्वर ने इंसान लोगों को आखिरी झटका दे दिया, अभी मुझे मानना है तो आ जाओ, ये आखिरी झटका है। ये कोरोना बीमारी ने इंसान के लिए आखिरी झटका, मालूम नहीं इसको कितने वटका में झटका बोलूं, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ हमारे लिए एक सबसे बड़ा झटका है। ये एक सबसे बड़ा झटका है ताकि जो परमेश्वर में नहीं है वो परमेश्वर में आ जाए, और जो परमेश्वर में है वो संपूर्ण हो जाए। इस कारण ये आखिरी झटका जो है वो इस धरती पर आया हुआ है। वो ध्यान समझ, आखिरी झटका, आखिरी झटका, जो परमेश्वर में नहीं है वो परमेश्वर में आ जाए इसलिए, और जो परमेश्वर में है वो सिद्ध हो जाए, वो संपूर्ण हो जाए, इसलिए दिया गया ये आखिरी झटका है। क्योंकि आज जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 10वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 23वां पद। चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, प्रभु सुने चेलों की ओर मुड़कर उनको अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। चेलों को ऐसा कहा कि चेले जैसे तुम्हारी आंखें हैं ना, ऐसी आंखें अगर लोगों के पास हो जाए तो धन्य आंखें हो जाएगी। जो तुम देख रहे हो वो अगर लोगों की आंखें देख सके तो बोले उनकी आंखें धन्य है, यानी कि आशीषित है। फिर से पढ़ो, तब चेलों की ओर मुड़कर प्रभु उसने चेलों की ओर मुड़कर कहा, अकेले में कहा, हाँ धन्य है वे आंखें, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। प्रभु उसने चेलों से ऐसा कहा, धन्य है वे आंखें जो वो देखते, जो तुम देख रहे हो। अभी चेले क्या देख रहे थे, फिर से पढ़ो 23वां पद, तब चेलों की ओर मुड़कर अभी समझो
पीछे चेले है, तो ध्यान समझना पीछे चेले है, और प्रभु से ऐसे पीछे चेलो के और मुड़े होंगे और को लगा चेलो, और चेलो ने प्रभु से और देखा, चेले प्रभु से और देख रहे, प्रभु से की निगाह है चेलो की ओर, और चेलो की निगाह प्रभु से की ओर, और तब प्रभु से ने कहा, बोलो अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। तो चेले क्या देख रहे थे उस वक्त? उस वक्त चेले प्रभु यीशु को देख रहे थे, और प्रभु यीशु ऐसा बोलते धन्य है वे आंखें जो तुम देखते हो ना वो आज देख रही, आज तुम्हारी आंखें, प्रभु यीशु चेले को कहना चाहते थे कि तुम्हारी आंखें जो है वो जीवन देख रही है, तुम्हारी आंखें जीवन के अधिकारी को देख रही है, तुम्हारी आंखें जीवन के जो कर्ता है उस कर्ता को देख रही है, तुम्हारी आंखें चेलो की आंखें उसको देख रही है जो प्राण देता भी है और प्राण वापस लेने का भी अधिकार रखता है, तुम्हारी आंखें उसको देख रही है, तुम्हारी आंखें उसको देख रही है जिसको मौत बांध नहीं सका, ये अनहोना है कि मौत प्रभु उसको बांध सके, तुम उसको देख रहे हो कि जिसको मौत भी नहीं बांध सकता, तुम तो जीवन के कर्ता को देख रहे हो, तुम्हारी आंख तो उसको देख रही जो पुनरुत्थान और जीवन है, तुम्हारी आंख तो उसको देख रही है जो मार्ग सत्य और जीवन है, तुम्हारी आंखें तो उसको देख रही है जो बहुतायत का जीवन देती है, और इस तरह से जो जीवन देखती है ना वो आंखें धन्य है। लेकिन लोगों को क्या दिखाई रही है? मौत। तभी तो आसपास में बाउंसर और फिर प्रचार करते हैं जीवन का अधिकारी आता है जीवन देता है, लेकिन खुद की आंखें कहां पर है? मौत के ऊपर। तभी तो बाउंसर लिए घूमते हैं। क्यों लोग कोरोना से डरते हैं? क्योंकि उनकी निगाह है कोरोना के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर तो है ही नहीं। प्रभु यीशु को देखो, जीवन को देखो, तो कोरोना को मौत नहीं दिखाई देगा। आज तक जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कोरोना के लिए वो सारे चंगे हो गए, वो सभी का रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गया बाद में। हमारे परमेश्वर वो जीवन देते हैं, और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारी आंखें धन्य है, और जिनकी आंखें जो तुम देख रहे हो वो देख रही है तो वो आंखें वो तो धन्य है, और चेले की आंखें जीवन के कर्ता को देख रही थी, मार्ग सत्य और जीवन को देख रही थी, पुनरुत्थान और जीवन को देख रही थी आंखें, वो उनको देख रही थी कि जो मौत उनको बांध कर नहीं रख सकता, ऐसे परमेश्वर को देख रही थी। चेलो की आंखें उस जीवन के अधिकारी को देख रही थी कि जो कहते हैं मैं बहुत तायत का जीवन देता हूँ, और आज भी जिसकी आंखें वो जीवन देखती है परमेश्वर बोलते हैं वो आंखें धन्य है। हमारी आंखें क्या देख रही है? मौत, बीमारियां, मुश्किलियां, क्या देख रही है हमारी आंखें? क्या देख रही है तुम्हारी आंखें? क्या दिखाई दे रहा है उनको? उनको मौत दिखाई देता है वो डर जाते, उनको बीमारी दिख जाती है वो डर जाते, लेकिन धन्य है वे आंखें जो चेलों की तरह उस जीवन के कर्ता को देख रही है, और ये जीवन जो है वो जीवन हमें कब मिलेगा, ये जीवन जो है वो हमें किस तरह से मिलेगा, और ये जीवन जो है वो कहाँ पर है? और पहले कुरंथी में लिखा है, पहला कुरंथी उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां पद, पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थाई है, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम है, एक आशा, एक विश्वास और एक प्रेम, ये तीनों स्थाई मतलब हमेशा के लिए रहने वाले, लेकिन उसमें श्रेष्ठ अगर देखो तो वो है प्रेम। जो सबसे श्रेष्ठ है वो तो प्रेम है, प्रेम जो है वो सबसे बड़ी बात है। फिर यूहन्ना में लिखा है उसका 15 अध्याय उसका 12 पद,
मेरी आज्ञा यह है, प्रभु से कहते हैं हाँ, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, बहुत ध्यान से माना, ये अनंत जीवन कब है आपके जीवन में, आप कब उस जीवन को पा सकोगे, जब आपके जीवन में प्रेम है। परमेश्वर बोलते हैं सब कुछ चला जाएगा लेकिन प्रेम आखिर तक बना रहेगा। आखिर तक जिंदा रहना है तो प्रेम चाहिए। प्रभु उसने कहा कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। अब एक दूसरे मतलब क्या, किसी का भी नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं नाम लिया, ना पड़ोसी बोले, ना दुश्मन बोले, ना चेले बोले, कुछ भी नहीं बोले। एक दूसरे से प्रेम करो मतलब कोई भी हो उससे प्रेम करो, चाहे तुम उसको दुश्मन समझते हो तो भी प्रेम करो, चाहे आप उसको मित्र समझते हो तो भी प्रेम करो, जो भी समझते हो लेकिन प्रेम करो, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। बहुत स्पष्ट सी बात है कि हमारे परमेश्वर ये कहते हैं कि जीवन जो है वो कब मिलेगा आपको, वो तो जीवन का कर्ता है, वो मार्ग सत्य और जीवन है, वो बहुतायत का जीवन देते, लेकिन जीवन कब मिलेगा, जब आपके अंदर प्रेम होगा तो। और फिर पहले कुरंथी में लिखा है, पहला कुरंथी उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो। परमेश्वर का वचन कहता है एक ही बात करो और तुम में फूट ना हो, और परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, वो ध्यान समझना कि जो एक मन नहीं है, जो एक मत भी नहीं है। बाइबल लिया, एक इधर खींचने लगा, एक इधर खींचने लगा, एक बोलता नहीं यहोवा यहोवा यहोवा, दूसरा वो ही बाइबल लेकर बोलता नहीं यीशु यीशु यीशु। अभी दोनों में एक मन नहीं है, दोनों एक मत भी नहीं है। अगर गलती से ऐसा हो जाए कि दोनों साथ में स्वर्ग पहुँच जाए तो क्या होगा, फिर वहाँ पर नहीं यहोवा यहोवा यहोवा, आजा तो दिखाता हूँ जो, और दूसरा बोले नहीं नहीं मैं तो यीशु दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे लोगों का कोई भी, वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं बनाई। एकता चाहिए और साथ में प्रेम चाहिए। एक मन एक मत एकता। फिर यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय, यूहन्ना इसका 17:21 पद, और लोग यह कहें यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। नहीं ना थे यूहन्ना 17:21 कि वे सब एक हो। हाँ, प्रभु से ऐसा कहते हैं वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा पिता और मैं एक हूँ और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे वे भी हम में हो। देखो प्रभु से क्या कहते हैं, हम सब एक होने चाहिए। जिस तरह से पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे में रह कर एक रहना पड़ेगा। ये दो बातें होगी तो ही आप सब में जा पाओगे, वरना नहीं। एक दूसरे से प्रेम, वो दुश्मन वाली बात नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी वाली बात नहीं, कोई किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं, एक दूसरे मतलब कोई भी आ गया, एक दूसरे से प्रेम नहीं और आप एक मत नहीं, एक मन नहीं, आप में एकता नहीं, तो समझ लेना आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकोगे। जितने भी लोग मैं मेथडिस्ट में मेथडिस्ट, मैं सी एन आई मैं पेंटिकोस्टल, मैं यहोवा विटनेस, मैं ओनली जीसस, मैं ये मैं वो, ये मेरा ग्रुप वो मेरा ग्रुप, ऐसे जितने भी लोग हैं बहुत ध्यान से समझ लेना, इनमें से स्वर्ग में एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से बाइबल का वचन कहता है इस तरह से इनमें से एक भी नहीं होगा। हमको ये छोड़ना ही पड़ेगा। दुनिया के अंतिम हिस्से में आ गए, कोरोना बोल कर आएगा तू मैथड से तो मैं नहीं आऊँगा, तू सी ए ना है तो मैं नहीं आऊँगा। क्या मैथडिस वाले अकेले डरते, क्या पेंटिकोस्टल वाले नहीं डरते, क्या सभी डरते।
इसको किसी कलीसा से लेना देना नहीं है, ये पत्ती को, यह आखिरी झटका है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आखिरी झटका है। परमेश्वर इसलिए दे रहे ताकि जो मसीह में नहीं वो मसीह में आ जाए, उनको आखिरी चेतावनी, और जो मसीह में है और मेथड सीएनआई पेंटेकोस्टल साल्वेशन आर्मी ब्रदर सारे चक्कर में फंसे हुए ने, उनके लिए आखिरी झटका कि ये बैनर छोड़ो और एक हो जाओ, सारे लोग सारे एक हो जाओ। ये इसलिए हमारे परमेश्वर जो है वो एक झटका दे रहे हैं। ये दो बातें आप में नहीं होगी, एक प्रेम और एक एकता, तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। और इसलिए परमेश्वर के दास होने के नाते मैं विनती करता हूँ सभी से कि मेथडिस्ट सीएनआई सालेसन आर्मी ब्रदरन पेंटेकोस्टल ये ग्रुप वो ग्रुप मेरा पास्टर फलाना पास्टर, ये सारी बातें बंद कर दो, ये सारी बातें बंद कर दो। अगर स्वर्ग में जाना है तो चाहे आपकी मेंबरशिप कहीं पर हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मसीह के बनो, सिर्फ मसीह के ही बनो, अपनी कलीसिया के ना बनो। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, कलीसिया के रूल्स रेगुलेशन से चलोगे तो परमेश्वर आपका न्याय वही करेगा। हमारे परमेश्वर किसी भी कलीसिया का रूल्स रेगुलेशन का बंधारण लेकर और न्याय करने के लिए नहीं बैठने वाले, वो तो बाइबल लेकर बैठने वाले, बाइबल के अनुसार जीवन जिया, मैं जैसा कहता था वैसे किया, बहुत स्पष्ट समझ लेना। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें और एक मत हो जाए और एक मन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे एक ही है और हमारा बाइबल भी एक है और स्वर्ग भी एक है। हाँ, ऐसा होता कि मेथड्स के लिए अलग बनाया होता, सीएनआई के लिए अलग बनाया होता, पेंटेकोस्टल वालों के लिए अलग बनाता, फिर ठीक बात थी, अपने आप को पकड़ कर रखते, नहीं मुझे तो पेंटेकोस्टल वाले ही स्वर्ग में जाना है, फिर बात ठीक थी कि आप पहुँच जाते वहाँ पर। लेकिन स्वर्ग के मालिक मेरे प्रभु यीशु है, उनका ही कानून चलेगा और किसी का नहीं चलने वाला। और इसलिए जो आखिरी झटका लगाया ना उसमें सुधर जाओ सारे, उसमें सुधर जाओ संपूर्णति से, इसमें सुधर जाओ और एक मन हो जाओ और एक चित्त हो जाओ और सभी लोग एकता में आ जाओ और सभी एक दूसरे से प्रेम करो। बस ये भी वक्त है कि आप अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या आप स्त्री हो, क्या आपको आपकी देरानी से बनता है या आपकी जेठानी से आपकी बनती है, क्या आप दोनों एकता में हो, क्या कोई लड़ाई झगड़ा है आपके बीच में, क्या आप उससे प्रेम करते हो। अगर नहीं तो देरानी हो तो जेठानी के पास जाओ, जेठानी हो तो देरानी के पास जाओ, मिल लो आज उससे, प्रेम करना शुरू कर दो, उसके साथ मिल जाओ, एकता में आ जाओ। अगर आप दो भाई हो आपका नहीं बनता, भागो अपने भाई के पास जाओ, बुला लो उसको, एकता में आ जाओ। आप बाप बेटे हो, आप माँ बेटी हो, दो बहनें हो, आप सास और बहू हो, जो भी हो, अगर नहीं बनता किसी के साथ तो आज ही मिल जाओ उससे, आज ही एकता में आ जाओ, आज ही उससे प्रेम करने लगो। सोचो आपके आसपास में कौन रहता है और आपके सामने कौन रहता है, सोचो कि कहीं आपको उसके प्रति बैर तो नहीं, कहीं मन में ईर्ष्या तो नहीं। देखो अगर ऐसी कोई भी बात दिखा देती है तो आखिरी झटका है, बहुत स्पष्ट कहता हूँ, बुला लो उसको, मान लो उसे, एक मन हो जाओ उससे, एक चित हो जाओ और उससे प्रेम करो ताकि बचाए जाओ। ईगो छोड़ो, ईगो छोड़ो, मैं बड़ा हूँ मैं नहीं जा सकता, मैं छोटा हूँ मैं नहीं जा सकता, उसने मेरे साथ ये किया मैंने उसके साथ वो किया, ये सारा ईगो जो है उसको आज निकाल दो। सांसारिक मौत को देखकर डरो नहीं, उसके ऊपर से अपनी निगाह हटाओ, ये तो होने ही वाला है। ये सांसारिक मौत जो है वो तो रिश्तेदार को भी जुदा कर देता है,
आज देखो, अगर सगा बेटा कोरोना में मर जाएगा ना, बाप भी देखने के लिए नहीं जाएगा। ऐसा हो गया, ये मौत तो जुदा कर देती है। इस मौत के ऊपर से निगाह हटाओ, उस जीवन के अधिकारी को देखो, उस जीवन के कर्ता को देखो जो मार्ग सत्य और जीवन है, उसको देखो जो कहते हैं कि मैं बहुत आयत का जीवन देता हूँ, उनको देखो। और उनको देखोगे तो वो तो हमें एक दूसरे के साथ एक करते हैं, वो तो बोलते एक दूसरे से प्रेम करो, वो तो बोलते एक मन हो जाओ, वो तो बोलते हैं एक मत भी हो जाओ, एक मन भी हो जाओ और एक मत भी हो जाओ प्रभु श्री की ओर देखो, जो हमें जीवन देते हैं। अगर उनकी ओर देखोगे तो आपके अंदर प्रेम आएगा, अगर प्रभु श्री की ओर देखोगे तो आपके अंदर एकता आएगी। प्रभु श्री को देखना शुरू करो, मौत को देखना बंद करो और जीवन को देखना शुरू करो। वो जीवन अभी तुम्हारे अंदर जीवन डाल देंगे, आप प्रेम करने लग जाओगे, आप एक मत हो जाओगे, आप एक मन हो जाओगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं जो वचन आज हमने पढ़ा था, उसका 23वां पद। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। धन्य है वे आंखें जो आज तुम देख रहे हो वो देख रही है। उस वक्त चेले की आंखें प्रभु यीशु को देख रही थी, उस वक्त चेले की आंखें जो है उस जीवन के कर्ता को देख रही थी, उस वक्त चेले की आंखें मार्ग सत्य जीवन को देख रही थी, उस वक्त चेले की आंखें पुनरुत्थान और जीवन को देख रही थी, उस वक्त चेले की आंखें बहुतायत के जीवन देने वाले को देख रही थी। अगर आज अपने आप को चेला समझते हो, अगर अपने आप को मसीह समझते हो, अगर अपने आप को विश्वासी समझते हो, तो आपकी निगाहें कहाँ पर है, कहाँ पर है? कोरोना के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, उस विपत्ति के ऊपर या मौत के ऊपर, कहाँ पर आपकी निगाह है? धन्य है वह आंखें जो जीवन को देखती है, जिस तरह से वो चेले उस जीवन को देख रहे थे। क्या आज आपकी निगाहें उनके ऊपर है जो मार्ग सत्य जीवन है? क्या आज आपकी निगाहें जो बहुतायत का जीवन देते हैं उनके ऊपर है? क्या आज आपकी निगाहें मार्ग सत्य और जीवन पर है? किसके ऊपर है आज आपकी निगाहें? अगर प्रभु से के ऊपर जो मार्ग सत्य जीवन है, अगर उसके ऊपर आपकी निगाहें होगी तो वो आपको हर एक दूसरे के साथ प्रेम करना बताएंगे। अगर प्रभु से के ऊपर अगर आपकी आंखें हैं तो वो आपको सभी के साथ एक मन और एक मत कर देगी। और इसलिए अपनी निगाहें दुनिया पर से उठाओ और प्रभु यीशु के ऊपर लगाओ, ताकि आप अनंत जीवन पा सको, क्योंकि अनंत जीवन उससे ही मिलेगा जिसकी निगाह है उस जीवन के ऊपर है, वो ही आँखें आशीषित मतलब कि धन्य है। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा अपने चेलों को, तुम्हारा वो आंखें धन्य है जो तुम्हारी तरह देखती है, जो तुम देख रहे हो। वो लोग जीवन के कर्ता को देख रहे थे, वो लोग पुनरुत्थान जीवन को देख रहे थे, वो मार्ग सत्य जीवन को देख रहे थे और बहुत आयत के जीवन देने वाले को देख रहे थे। अगर आज तुम्हारी आंखें आशीषित हैं तो क्या देख रही है? सोचो, अपने आप को जांचो कि आज आपकी आंखें देख क्या रही है। देख रही है जीवन का अधिकारी को? देख रही है मार्ग सत्य और जीवन को? देख रही है बहुतायत का जीवन देने वाले को? देख रही जो एक दूसरे से प्रेम करना कहती है? देख रही उनको जो एक मन और एक मत करती है? अगर आपकी आंखें वहां पर हैं तो आपकी आंखें आशीषित है, अगर आज आपकी आंखें वहाँ पर नहीं है तो आप आशीषित नहीं हो, आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। और इसलिए आप अपनी आंखें उस यीशु मसीह की ओर लगाओ, जो आपको एकता में एक रहने को सिखाती है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, जो आपको जीवन देने का वादा करती है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से कृपा हम सभी पर होने पाए।
थैंक यू जीसस।